नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत करता हूँ आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ। मेरी यही विनती है ईश्वर से, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और होली में सारी खुशियाँ आपको मिले। व्यूअर्स, जहाँ होली परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है, वहीं पर होली सिद्धि प्राप्त करने का भी समय है। कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है, दिवाली, होली, शिवरात्रि, जहां मंत्रों की सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है और उसका प्रभाव जीवन भर कैरी ऑन, कैरी फॉरवर्ड करता है। बड़े पुण्य से ही व्यक्ति सत्संग, मंत्र साधना, ध्यान, जप तप कर सकता है और सिद्धि को प्राप्त करता है। होली में जहाँ लोग परमात्मा का ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं, वहाँ ऐसे भी कई लोग हैं जो होली में तंत्र मंत्र के द्वारा, टोटकों के द्वारा लोगों को नुकसान करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये पाप कर्म है, इनसे हमेशा हमेशा ऐसे कर्मों से हर व्यक्ति को बहुत दूर रहना चाहिए। जो चीज़ शास्त्रों में, धर्म में नहीं बताया गया, जिसका विरोध है, जिसका नुकसान होता है किसी का, ऐसे किसी भी काम से बहुत दूर रहना चाहिए। और होली एक वो समय है जब लोग आपको नहीं चाहने वाले, आपके दुश्मन, आपके विरोधी आप पर वार कर सकते हैं। इस दौरान हमें कुछ सावधानियां लेनी चाहिए, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मेरे व्यूअर्स, दिवाली की भांति होली पर भी तंत्र मंत्र और टोने टोटके का प्रभाव बहुत प्रबल होता है। इस दिन विशेष साधनाओं के द्वारा सिद्धियाँ पाई जाती है। होली की मस्ती में लोग इतने डूबे होते हैं कि उन पर हो रहे तंत्र मंत्र और टोटकों की होली का उन्हें एहसास तक नहीं होता। व्यूअर्स, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए पान के पत्ते, काले तिल, सिंदूर, कपूर, नारियल, नींबू, लाल मिर्च आदि सामग्री का प्रयोग किया जाता है। होलिका दहन से पहले का जो समय होता है उसे तांत्रिक सिद्ध समय मानते हैं। इस दौरान यदि आप पर कहीं से तंत्र मंत्र टोटके का वार हुआ तो इसका प्रभाव बहुत डीप होता है आपके साइकोलॉजी पर, शरीर पर, मन पर। तो आपको इनसे कैसे बचें? टोने टोटके हेतु सफ़ेद खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। होलिका दहन वाले दिन सफ़ेद खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। होलिका दहन वाले पूरे दिन काले कपड़े में काले तिल बांधकर अपनी जेब में रखें, रात को जलती होली में उन्हें डाल दें। टोने टोटके में व्यक्ति के कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपने कपड़ों का ध्यान रखें। उतार और टोटके का प्रयोग सिर पर जल्दी होता है, इसलिए सिर को टोपी आदि से ढके रहें। मैं बता दूं व्यूअर्स, बीते कुछ वर्षों में होली पर तंत्र मंत्र और टोने टोटके का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। होलास्टक का समय वधि को तांत्रिक सिद्ध मानते हैं। शास्त्रों में होलिका दहन के महत्वपूर्ण दिन को दारुण रात्रि कहा गया है। दारुण रात्रि की तुलना महारात्रि अर्थात महाशिवरात्रि, मोहरात्रि अथवा कृष्ण जन्माष्टमी, महानिशा अथवा दिवाली से की जा सकती है। तंत्रसार अनुसार इन दिनों में तंत्र व मंत्र की साधना पूर्ण फल देने वाली होती है। होलास्टक की अवधि में समस्त मांगलिक कार्य निषेध बताए गए हैं। व्यूअर्स, पौराणिक कथा के अनुसार कामदेव द्वारा भगवान शंकर की तपस्या भंग करने पर महादेव ने फाल्गुन अष्टमी पर ही उन्हें भस्म कर दिया था। तब रति ने कामदेव को पुनर्जीवन हेतु कठिन तप किया। फलस्वरूप शिव जी ने इसी पूर्णिमा पर कामदेव को नया जीवन दिया। तब संपूर्ण सृष्टि में आनंद मनाया गया।
व्यूअर्स, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिक अष्टक का काल होली से पहले अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से होली समस्त काम्य अनुष्ठानों हेतु श्रेष्ठ है। अष्टमी तिथि को चंद्र, नवमी तिथि को सूर्य, दशमी तिथि को शनि, एकादशी तिथि को शुक्र, द्वादशी तिथि को गुरु, त्रयोदशी तिथि को बुध, चतुर्दशी को मंगल व पूर्णिमा तिथि को राहु उग्र हो जाते हैं, जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्षमता को प्रभावित करते हैं, साथ ही निर्णय व कार्यक्षमता को कमजोर भी कर देते हैं। होलिका दहन से पूर्व के पूर्णिमा को प्रातः से रात्रि 12 बजे तक तांत्रिक विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्रों को सिद्ध करने का कार्य करते हैं। तांत्रिक प्रक्रिया में वनस्पति संबंधित सामग्री का उपयोग पर उतारा आदि करते हैं। तंत्रासार अनुसार होलिका दहन की रात्रि पर लोग कई अनिष्टकारक कार्य करते हैं। मान्यता अनुसार होलिका दहन के समय इस प्रकार के कार्य करने से अनिष्ट जो करने वाले लोग होते हैं उनका प्रभाव बढ़ जाता है। व्यूअर्स, ये था एक जानकारी कि होली जहाँ आशीर्वाद परमात्मा का प्राप्त करने का समय है, वहीं हमें सावधान रहने का भी समय है कि कोई हमारे सुख चैन शांति या मानसिक स्थिति को बिगाड़ ना सके, कोई हमारे घर में जो प्रेम पूरे परिवार में बसा हुआ है उसको घात ना करे, डैमेज ना करे, कोई हमारे बिजनेस को, कोई हमारे परिवार को, हमारे हेल्थ, हमारे सब के कल्याण में बाधा उत्पन्न ना करे। ये कलयुग है, सब कुछ संभव है। होली को मनाइए और परमात्मा का ब्लेसिंग्स प्राप्त करिए और कल्याण के मार्ग में आगे बढ़िए। धन्यवाद व्यूअर्स, हैप्पी होली।